हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियां हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है राजा का उद्देश्य। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। बहुत पुरानी बात है, चंदनपुर में राजा तेज प्रताप सिंह का राज्य था। वे बहुत दयालु एवं परोपकारी थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। सभी लोग धनवान थे, किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं थी, सभी मिलजुल कर रहते थे। एक बार राजा तेज प्रताप सिंह जंगल में घूमने गए। वहां उन्होंने तरह तरह के जानवर देखे, शेर, चीते, भालू, हिरण और खरगोश। देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। राजा ने सोचा, इतने सुंदर जानवरों को चंदनपुर के लोग देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। इसलिए राजा ने जानवरों से कहा कि वे चंद्रपुर चलें। चंद्रपुर में उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। हिरण और खरगोश डर के कारण चंद्रपुर नहीं गए। शेर, चीते और भालू चंद्रपुर आ गए। लोगों ने उन्हें देखा तो बहुत अच्छा लगा। बच्चे उन्हें देखकर खुश भी हुए, किंतु उन्होंने थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। रात को जब सभी लोग सो जाते हैं, तब शेर, चीते और भालू किसी की गाय, किसी की भैंस और किसी की बकरी खा जाते हैं। जब लोगों को मालूम हुआ तो उन्होंने राजा से शेर और चीते और भालू की शिकायत की। राजा ने कहा, जो मिलजुल कर नहीं रह सकते और दूसरों का नुकसान करें, उसे दूर भगा देना ही ठीक रहता है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शेर और चीते और भालू को जंगल की ओर भगा दें। सैनिकों ने तीर मारकर शेर, चीते और भालू को जंगलों की ओर भगा दिया। भागने के लिए जब मजबूर हो गए तो वो जंगल में आ गए। जो दूसरे को नुकसान करे, उसको अपने साथ कोई भी नहीं रखना चाहता। शेर, चीते और भालू अब जंगल में ही रहते हैं। उनके जानने के बाद चंदनपुर के लोग फिर से सुखी रहने लगे। तो ये इतिहास की हमारी कहानी राजा का आदेश।